नमः शमय साराय हेलो। इसकी आवाज ज्यादा आ रही है पंखे, थोड़ा स्लो कर लो, स्लो। वैसे गर्मी है नहीं, बंद कर दें? बंद कर दो भाई, गर्मी है ही नहीं बिल्कुल। ओम, बस शांति से बैठो, अब अच्छा लगेगा। तो फंस जाएगा प्राप्त भोगों में, मिल भी गए तो फंस जाएगा प्राप्त भोगों में, दूषित रक्त में आसक्त जोंक की तरह, जोंक की तरह। अतः मुक्ति मार्ग में दूर का भी संबंध नहीं है, जिनका सर्वथा छोड़ दे उनका विश्वास, जिनका मुक्ति मार्ग में दूर तक संबंध नहीं है, जिनका दूर दूर तक मुक्ति मार्ग में संबंध नहीं है, छोड़ दे उनका विश्वास। उनको छोड़ दे नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे उनको छोड़ दे? क्यों? उनको तो छोड़ नहीं सकता, अत्यंत अभाव है। पर पदार्थ का भोग नहीं कर सकता क्योंकि अत्यंत अभाव है, तो पर पदार्थ को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि अत्यंत अभाव। कुछ बोल रहा हूँ, बहुत ताकत की चीज है। हमें झट लगता है कपड़ा छोड़ दो, क्यों छोड़ दे? कौन छोड़ दे? आत्मा ने कपड़ा ग्रहण किया, कहाँ है वहां देख, वहां देख नहीं पाता। मैंने कपड़े छोड़ दिए। दो ही मिथ्या दृष्टि है, मैं रोटी खाता हूँ, अब नहीं खाता हूँ, खाता हूँ नहीं खाता हूँ, दो ही मिथ्या दृष्टि है। रोटी त्याग करके सुखी मानना मिथ्यात्व है, रोटी खा करके सुखी मानना मिथ्यात्व है, तो रोटी छोड़ करके भी सुखी मानना मिथ्यात्व है। शादी करना, यदि शादी करना मिथ्यात्व नहीं है, शादी करके सुख मानना मिथ्यात्व है, तो शादी नहीं करके सुख मानना भी उतना ही बड़ा मिथ्यात्व है। उतना ही बड़ा कह रहे हैं, उतना ही बड़ा, क्योंकि सुख तो ध्रुव स्वभाव ही है, ध्रुव में है, मेरे में है। शादी करना नहीं करने से लेना देना क्या है? अरे आत्मा की शादी कभी हो ही नहीं, जरा उधर तो देखो जिसकी शादी नहीं हुई। आत्मा शादी करने से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन शादी करना कसाई का गेम है और कसाई ही उससे पीड़ित होती है। अब कसाई से वेद विज्ञान नहीं करेगा तो अपने को रोता मानेगा, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ।
शादी नहीं करने वाले भी दुखी होते हैं, तो वे इसलिए दुखी नहीं होते कि शादी करने से सुख हो जाता है, वो कसाय से दुखी है। समझ में आ रहा है कुछ? शादी करने पर भी सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि कसाय तो विद्यमान नहीं, दुख तो कसाय का था। शादी नहीं करने का या करने का तो किसी को दुख है ही नहीं। शादी करने के पहले भी कसाय से पीड़ित था, अब ये कसाय पे चोट नहीं की इसने, कसाय मिटाने की कोशिश नहीं करी। अब ये लगता है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कसाय मिटा ये बताओ, कसाय की पूर्ति करें कि कसाय को मिटाएं? दृष्टांत सुने होंगे आपने, वो रोज बैल निकलते थे सींग वाले हैं, सुना दृष्टांत? रोज निकलते थे सींग वाले बैल, ऐसे गोल गोल प्यारे प्यारे सींग देख करके एक आदमी को लगा इसमें सिर घुस सकता है, इसमें सिर घुस सकता है, इसमें सिर घुस सकता है। अब रोज सोचते 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 वो पड़ा परेशान हो गया, 6 महीना हो गए सोचते सोचते, बस यार ये रोज कब तक ऐसे, हम बड़े परेशान हैं विचार से। इस विचार से बचने का एक ही उपाय है, एक दिन घुसा ही दे। तो फिर उसने एक दिन घुसा लिया। अब घुसाने के बाद क्या हुआ होगा? जब बैल के गले बैल के सींग में सिर घुसाया होगा फिर क्या हुआ होगा? बैल तो घबराएगा, भागेगा बेचारा, और ऐसे ऐसे करे तो बेचारा आदमी ऐसे ऐसे फेंके, गर्दन तो यहाँ फंस गई उसकी बैल की सींग में, और ऐसे ऐसे फेंके ऐसे। किसी तरह लोगों ने छुड़ाया, वो बड़ा प्रसन्न था, बोले क्यों तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? अरे भाई वो 6 महीना से परेशान था, अब निर्विकल्प हो गया, अब निर्विकल्प हो गया। वो रोज विकल्प परेशान करता था पूरा, पहले तो विकल्प ही परेशान कर रहा था, अब तो गर्दन टूट गई। अब भले टूट गई लेकिन बाकी तो इलाज करा लेंगे। ये प्रत्येक पंचेंद्री विषय के सुख की पीड़ा है, कसाय मिटाएं या पूर्ति करें? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मम्मी पापा कोई भी कसायों से पीड़ित हैं, तो कसाय मिटाने का काम करें या कसायों की पूर्ति करें? सोचो जरा शांति से, अपने अंतर में भी कसाय है उसे शांत करो। हम क्या करते हैं, कसाय शांत करने में लो हमने शादी कर ली, अरे सब सुखी क्यों नहीं हुए? हमें तो पहले ही पता था सुखी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पीड़ा कसाय की थी, शादी करना नहीं करने की नहीं थी। शादी का दृष्टांत दिया है, सब जगह लगा लें, भोजन की नहीं है, सब भोजन करने पर भी सुख नहीं मिला, तो हमें पता है जब भोजन नहीं करती तो वही वही विकल्प आता है, और कर लेती हैं तो अभी शांति थोड़ी मिलती है। भोजन करने के बाद शांत हुए कभी आप लोग? रियल बताओ, झूठ नहीं बोले, सही सही कभी शांति मिली है? अरे पेट भर गया, मन नहीं भरा, क्या बोलता है आदमी? यहाँ से बढ़िया लग रहे थे भी मैसूर पाक और वो गुलाब जामुन आइसक्रीम, तो जगह नहीं थी, ऐसा लग रहा था यहाँ से आइसक्रीम जिंदगी में नहीं मिलती, आज तो खींच लो वो खा ही नहीं पाए। बोले होता है कि नहीं होता है? तो फिर कह रहे खाना या नहीं खाने का सुख दुख नहीं है, क्योंकि वो तो अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। पैसा बहुत कमाने से सुखी नहीं होते और पैसा त्यागने से भी सुखी नहीं होती। कसाई के सद्भाव से दुखी है और कसाई के अभाव से। तुम सबके प्रश्नों के जवाब आ रही है, ध्यान रखना, असल में अलग से कोई प्रश्न नहीं है, जो अतुकांत कविता सुना रहे हैं इसी में जवाब है आपके। मन बहुत कहता है, मन बहुत कहता है, मुझे तो कहेगा ही मन। मन शांत करने की कोशिश करो, क्षम नहीं हुए तो मन को भिन्न देखने की कोशिश करो। मन को भिन्न देखने का मतलब मैं मन से अप्रभावी हूं, कसाय में आग है मेरे में आग नहीं है, मैं कसाय को जानता हूँ, कसाय की आग मेरी आग नहीं है, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव हूँ जी। भिन्न देखना मैंने अप्रभावी देखना, कसाय कितनी भी जल रही हो, भयंकर उल्टे सीधे काम कर रही हो, मुझे क्या कर लेगी, मुझे क्या कर लेगी? समन नहीं करेंगे हम, मैंने उसका उपाय नहीं करेंगे हम, तो इधर ध्रुव देखेंगे, हमें नहीं मालूम, हम बैठे ध्रुव में बस। कि साहब चार जैसे विचार आए कि हाँ बिल्कुल चिंता नहीं करना, चार जैसे विचार आए, फिर से बोल रहा हूँ चार जैसे विचार आए तो अभी चिंता नहीं करना, क्योंकि ध्रुव ने अर्थो अजना थी, खरेखर ध्रुव ने
और तो मजा करो। अब जब पूरे समाधान दे दिए सब प्रश्नों के, क्योंकि असंख्यात हैं प्रश्न, उन सब का नाम एक ही है बस, जाति एक ही है, नाम बहुत है तुम्हारे, कपड़े के भाव बहुत आए तो आने दो, पूर्ति करने नहीं दौड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक पूर्ति करके भी कोई सुखी नहीं हुआ, खुजाने नहीं लगेंगे, खुजा के भी कोई शांति नहीं हुई, खुजाने से कोई खुजाल मिटती है कि साहब जब तक नहीं खुजा ली तो बड़ी तलब आती, खुजा लें ऐसे, खुजाने से खुजाल मिट जाएगी। तो क्या उपाय करते हैं बोलो, ये सब जगह घटा लेना इसको, है ना। चलो आगे, फंस जाएगा प्राप्त भोगों में, दूसरी तरफ तो आशक्त जोंक की भांति, अतः मुक्ति मार्ग में दूर का भी संबंध नहीं है जिनका। छोड़ दे सर्वथा उनका विश्वास। छोड़ने का मना क्यों नहीं किया, जब तूने ग्रहण नहीं किया छोड़ेगा कैसे, एक बचपन की कहानी का भी सच्ची घटना है, सबके पास हुई होगी, कोई ऐसे कहते तुझे मेरी कसम, फिर वो लगा नहीं तुम अपनी कसम उतारो। अब जब बढ़िया भाई, हमने तो चढ़ा दी, अब दें उतारें कैसे, वो पीछे पड़ रहा है उतारो, अरे चढ़ी कहाँ जो उतारे, हमने तो कहा था, तो कहने से चढ़ थोड़ी गई, लेकिन नहीं वो पीछे पड़ गए, चढ़ गई उतारो। ऐसे यहाँ पर है, हुआ कब था, इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है, भ्रम या मिथ्यात के सुख दुख को दृष्टांत है, मिथ्यात के सुख दुख के दृष्टांत, बहुत प्यारा दृष्टांत। सपने में राजपद पायो, कहाँ पायो, सपने में शादी हो गई, अब शादी छोड़े कैसे, अब तलाक करे कैसे, मूर्ख तलाक करना नहीं है, तलाक पहले से ही था, शादी भाई कहाँ थी, नहीं पड़ी, वो तो सपने की बात है, लेकिन जो सच्ची में शादी, ढोर सच्ची में शादी होते ही नहीं है, नहीं समझ में आई कैसी, हम ये सच्ची की शादी लग रही नहीं, इसी को सपने की शादी कह रहे, क्योंकि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, नहीं वो सपने की तो बात सच्ची, वहां तो तलाक नहीं करना पड़े, जे तो तलाक करना पड़े, जे मोह कह रहा तेरा, दो द्रव्यों का मिलन होता ही नहीं। पत्नी दीक्षा लेने जाने लगी तो पति ने बोला मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, पत्नी बोली रहे हो, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक रहे हो, और मर जाएंगे तो अभी रहोगे, पक्की बात है रहोगे, लेकिन तुम अपने कसाई के साथ जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम मेरे प्रति आकर्षण है, राग है, प्रेम है, इस कसाई को जीतो, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी, तो फिर मैं भी चलूं, ऐसी आ सकती क्यों कि मैं भी चलूं, समझिए क्या कह रहे हैं, तुम जा रही तो हम भी दीक्षा ले रहे, ढोर ऐसे भी ऐसी आ सकती क्यों, तुम जा रहे तो हम चले, अपने ध्रुव के भरोसे आओ, हमारे भरोसे मत आओ, समझ में आया कुछ, बढ़िया भाषा है, ऐसा भी आग्रह क्यों, ऐसा भी आग्रह क्यों, हम जा रहे तो तुम भी आओगे, ऐसा क्यों, समझ में आया, आगे देखो, सर्वथा छोड़ दे उनका विश्वास, सर्वथा पे भजन है, शादी हुई कि नहीं हुई आज तक किसी की, हाँ ऊँसे ही, हाँ निश्चय से नहीं हुई पंडित, निश्चय से नहीं हुई, व्यवहार जो मोह कह रहा है व्यवहार। नैमिनाथ भगवान बारात लेके जा रहे थे, लेकिन परमार्थ के आश्रित जा रहे थे, छोड़ते समय एक सेकंड भी विकल्प नहीं आया, ऐसे ऐसे बैठ गए हूँ, अब इतनी बात आगे तक बढ़ गई, बारात आई गई, मोड़ी रोएगी, कछु होएगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, अब आ गए ये तो कर लो, छोड़ के चले जाएंगे बाद में, तलाक दे देंगे, सगाई हुई की कब थी, सपने की थी वो, और बारात आई कब थी, सपने की बारात थी, अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत माने मोह मिटेगा, ये मेहनत मोह मिटेगी, तो हर चीज में लगा लेना, मैंने खाया कहा था, तुमने क्या खाया आज तक, क्या खाया है, कि पहले बहुत खाया है, मिथ्या दृष्टि हो,
पहले भी सपना ही था। आत्मा ने खाया कब था? जब देखो जब इसी को हावी कर लेते हैं उसको भूल ही जाते हैं, कहाँ खाया। मुनिराज बन गए, दीक्षा ले ली और बार बार याद आ रही, पहले हमने आलू खाए थे, पहले आलू खाए थे, पहले आलू खाए थे, अज्ञान दशा में खाए थे। सुनोगे कछु कहानी? अनंतानुबंधी का पाप है। काहे का पाप है? पहले की बातें याद आ करके याद आ रही कि हमने खाए थे, खाए थे यह स्वप्न था। अत्यंत अभाव के कारण एक द्रव दूसरे द्रव को खा कैसे सकता है, खा कैसे सकता है? फिल्म की स्टोरी सुनी तुमने कभी? फिल्म की स्टोरी कॉलेज लाइफ में कोई दोस्त पिक्चर देख के आया और फिर अमिताभ बच्चन मर गया, कैसे बोलता था वो, कैसे बोलता था वो? अमिताभ बच्चन आया, उसने एक ऐसे करा चक्कू मार, जो कैसे मर करा और ऐसे ही विलेन मर गया। क्या बोलता था? कौन मर गया? मर गया तो बोल तो रहे थे, बोलते ही बिल्कुल ऐसे ही। उसकी उससे शादी हो गई, वो हीरो हीरोइन की, फिर उसने ऐसे ऐसे थप्पड़ मार दिया। कौन ने मारा थप्पड़ बताना, कौन ने मारा? जयवीरन, अत्यंत भाव पढ़ने का तरीका है। हम अत्यंत भाव को शब्दों में पढ़ते हैं, सिद्धांतों में पढ़ते हैं, जीवन में नहीं पढ़ते। पंडित जी कुछ भी कहो, शादी तो हमारी होगी, कहाँ से हो गई? अनाधिकाल से तो हो ही नहीं। कल कहा था मेंढक मेंढक की शादी कर दी। मेंढक इधर चक गया, मेंढक इधर चक गई, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं था। अभी दूर मत जाओ, अभी के दृष्टांत देखो। तलाक हो जाने के बाद वो उस शादी की क्या हैसियत है? चलो तलाक के पहले, तलाक के पहले पति पत्नी में मन नहीं मिल रहा है और तलाक का विचार है। अभी तलाक हुआ नहीं, पति पत्नी है लेकिन विचार है। दो एक दूसरे को देखकर स्माइल पास नहीं करते, दोनों एक दूसरे को घृणा से देख के ऐसे मुंह फेर लेती। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ के कहाँ है पति पत्नी? मोह ही तो गड़बड़ कर रहा है इधर, तो अब वो पत्नी कहाँ लग रही है उसको? अब इसने पत्नी के हाथ जल गए, वो चीखी मर गए मर। और पहले प्रेम था, अब ध्यान से ना, तो पति पत्नी दो द्रव्य तो अभी भी खड़े हैं, खड़े हैं ना, अभी प्रेम क्यों नहीं आ रहा? और पहले जल्दी जी ओ एकदम आकर गया, मैं मुंह में ले लूं, मैं दवाई लगा दूं, ऐसे नहीं किया करो, तुम्हारी उंगली जलती है मेरा दिल जलता है। ढोर ढोर के अगर समझ गए मिथ्या दृष्टि, ढोर के नहीं मतलब मिथ्या दृष्टि मोड़। समझो अत्यंत भाव को यहां से पढ़ाई करो, सच मुझ कुछ हुआ ही तो नहीं। बताओ स्त्री विधवा होती है कि नहीं, और स्त्री की विधवा पने का कारण क्या है? स्त्री विधवा होती है कि नहीं, नहीं। अत्यंत भाव से देखो, वो अपनी आयु लेके आए थे तुम्हें चला गया, अब इसे क्यों विधवा हो गई? तो ये अपने राग से विधवा हुई है, पति के मरने से विधवा नहीं हुई। कई बार देखा तुमने पति पत्नी में प्रेम नहीं होता तो पत्नी विधवा की तरह रहती है, देखा है? बहुत चलन है आजकल, शादी का टिक्की नहीं लगाती, चूड़ियाँ तक नहीं पहनती। मेरे पास बम्बई में एक अपना मोक्षी लड़का था, उसकी शादी हो गई, तो जब मैं बम्बई प्रवचन करने गया तो वो आया मिलने, तो अपनी वाइफ को भी लाया, तो आजकल वाइफ साड़ी वगैरह तो नहीं पहनती, वो ऐसे ही पहने रहती सूट वूट, सो पहनी अब वो सो लाया। तो मैंने पूछा क्या ये तुम्हारी विधवा बहन है? सच्ची घटना है, मैंने कहा तुम्हारी विधवा बिडो हो गई, क्या बात हो गई बिडो? कि नहीं नहीं सीज भाई वाइफ वाइफ, सफेद सूट ब्रह्मचारिणी है सब, टिकी नहीं चूड़ी नहीं बिछुड़ी नहीं मेहंदी नहीं, तुम दोनों में झगड़ा है? नहीं झगड़ा नहीं, ढोर दो की दोई। अब हम कुछ नहीं कह रहे और क्या कह देते,
इट इज फैशन, फैशन नहीं है ये, मुसलमान वो ईसाइयों में नहीं पहनती सर। किन किन की फैशन अपना रहे तुम्हें खबर ही नहीं है कसी। हमने पूछा उस लड़के से, तुम गरीब हो, इसको सोना मोना नहीं चढ़ाया है? बद्दू बैंक में। अरे है तो पहनो, अगली चढ़ाया जाता है। पंडित जी लड़कियां शादी के दिन उधार का गहना पहनती हो, किराए से मिलता है एक नत, इतनी बड़ी ऐसी ऐसी, इधर से इधर तक भी कनेक्ट, इधर से ऐसी फोटो, बस खत्म। 16 श्रृंगार फोटो में और असली विधवा, वहां ढोर छाप जिंदगी। देख लेना हर एक के घर में फोटो में बिल्कुल 16 श्रृंगार होंगे, वहां में कम नहीं होने चाहिए। क्या कहते हैं, हाँ अत्यंत भाव के कारण स्वप्न ही है, कोई नहीं है पति पत्नी, मन है तो खुश, मन नहीं है तो विधवा। जब तुमने मोह की कल्पना है, कसाय बदलते से ही तो रूप बदल जाता है। अब बताओ, इतने दृष्टांत इसलिए दिए खोल करके, तुम कह रहे नहीं नहीं वो पत्नी है, नहीं मैं पति हूँ, झूठ है। इस पे बोला करो राजमल जी पांडे जी टीका, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे विकल्पों से क्या। मैं तेरे साथ दीक्षा ले लूंगा, वो बोली मैं तो अपने में रहूंगी, मैं तो अपने में रहूंगी, संग रहो चाहे मत रहो, हम तो असंग रहेंगे, आंख खोलेंगे तो भी असंग देखेंगे और आंख बंद रहेगी तो हम अपने में रहेंगे। बोलो अब क्या करना है, बोलो। बड़ा सुंदर स्वरूप है, आगे देखो, कर सर्वथा छोड़ दे, सर्वथा छोड़ दे कह रहे हैं, किंचित कथनचित नहीं कह रहे, नहीं नहीं व्यवहार से तो विश्वास कर, व्यवहार में तो स्त्री पुत्र आदि हैं, व्यवहार में तो व्यापार धंधा है, व्यवहार में तो कर्तव्य है, व्यवहार में तो कर्तव्य है, व्यवहार खुद मिथ्या है, कर्तव्य खुद मिथ्या है। हे क्या बोल रहे हो आप, व्यवहार को मिथ्या कह रहे हो? परमार्थ को जानने वाले को व्यवहार मिथ्या है, तो हम हमेशा परमार्थ नहीं देखेंगे जिससे व्यवहार मिथ्या हो जाए। तो सुन फिर, जिसे व्यवहार जिंदा है उसे परमार्थ मिथ्या है। क्या कह गए, क्या कह गए, जिसको तुझे व्यवहार की चिंता है, परमार्थ की चिंता नहीं है। मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गया हूं, हट। सच कह रहे हो, नवीनाथ भगवान का पौरुष साधियों भी ठीक नहीं, मत चल दिए, चल चल दिए, कितनी ताकत की बात है, पलट के भी नहीं देगा, बिचारी रोएगी, एक विकल्प ही नहीं आया, बिचारी और रोएगी। पत्नी दीक्षा लेने जा रही थी तो पति बोला, बच्चे बिलखेंगे जिन्हें तुमने बड़े जतन से पाला था, बच्चे बिलखेंगे। तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं बिलखेंगे, हाँ कुछ समय तक बिलखेंगे, कुछ समय तक बिलखेंगे, और योग तस बदलते ही बेबी बीतराग मार्ग में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उनका बिलखना हमारे कारण से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न है, उसे भी समझना पड़ेगा ये स्वप्न है। कुछ कह रहे हैं बेटे, मजबूरी में तो आप शांत रहोगे ही, मजबूरी में तो एडजस्ट करोगे, मजा जाएगा, हम स्माइल करें। कल कहा था दोपहर में, स्माइल, शादी करने से पहले इतनी तैयारी करो, पत्नी मर गई तो या पति मर गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं, ये क्या कहलाता है वो, इसका माने हमारा प्लान, हमारे पास ए प्लान है ध्रुव, बी प्लान है शादी, शादी गई तो खुश, ए प्लान, समझ में आ गया कुछ क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी प्लान, हमेशा गेम प्लान था ना, गेम प्लान, क्रिकेट में गेम प्लान बना के खेलना पड़ता है, ऐसे नहीं सोचते विराट कोहली जिता देगा यार, अपन तो शांति से रहो, विराट तुम प्रैक्टिस करो भैया कल तुम्हें जिताना है, ऐसा थोड़ी होता है, उसमें प्लान बनाती, भाई जब पहली ही ओवर में आउट हो गया, तीन खिलाड़ी आउट हो गए, 10 रन पे, 5 रन पे, 20, फिर क्या होगा, ए तुम भी तैयारी करो, 15 गेंदों में 1 रन नहीं बना पाए भाई साहब, तैयारी नहीं करी थी तो।
मतलब आखिरी के तीन खिलाड़ी दो खिलाड़ी ऐसे ही चले गए सबके साथ। तैयारी करो, क्यों ये प्लान फेल हुआ तो बी। कई बार ऐसा लगता है जब शुरू के पांच खिलाड़ी 45 पे चले गए तो अब आखिरी में तो कोई है ही नहीं है बच्चों को। और भारत के बी प्लान में ही जीते थे, पहली बार जब जीते थे 324-325 रन बनाने थे इंग्लैंड में, और बहुत 70-75 कितने में ऐसे हो गए थे। और अब तो सबने पूरे जितने खिलाड़ी थे उनके मम्मी पापा ने भी फोन बंद कर दिए मैच और पिक्चर देखने चले गए। फिर बाद में आकर देखा, देखे तो कितने से हारे, तो मालूम पड़ी जीत गए। उसके पिताजी ने फिर अखबार में कहा था, मतलब वो ये सारी घटना समझ गए कुछ। ए प्लान कौन सा है? ध्रुव माने ब्रह्मचर्य। बी प्लान कौन सा है? कि शादी, मर गया तो ओ थैंक यू। ए इतना गंदा सिखाते हो आप, पति मर गया तो थैंक यू ओके। ए प्लान सुपर है हमारे पास। अब इस एंगल से प्रथमानी ऊपर के देखिए, नहीं शादी हुई तो भी मजा है, शादी हो गई तो भी रोएंगे नहीं, और फिर कुछ हो गए भाई दबे पुण्य पाप के उदय में तो ये प्लान जिंदाबाद है। रावण मरा रोई नहीं, मंदोदरी वगैरह 40,000 रोनिया रानिया। चंद्र नखा ने अपना बेटा खोया, प्रिय बेटा खोया, प्रिय बेटा अपना पति खोया, अपना भैया खोया। और देखा जाए तो चंद्र नखा की वजह से ही पूरी रामायण स्टार्ट हुई, चंद्र नखा की वजह से ही हुई थी पूरी की पूरी रामायण। और चंद्र नखा दीक्षा लेने चली गई, रोने नहीं बैठी। बी प्लान फेल हुआ है, ए प्लान ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या बोल रही, क्या बोल रही? ए प्लान ऑलवेज पढ़ के देखो, रोई नहीं समझ गए। सुविधाओं का बी प्लान और बिना सुविधा का ए प्लान, ठीक है नहीं हम सुविधाओं में कोई बात, सुविधा कोई बात। कल फेल हो गए तो अरे हम ध्रुव हैं, ध्रुव में क्या बिगड़ेगा, काय का अर्थ कर रहा हूं, काय का अर्थ कर रहा हूं, सर्वथा विश्वास छोड़ कथनचित नहीं। कुछ समझ में आ रहा कुछ? हम कथनचित पे वजन देते इसलिए इतना वजन दे रहा हूं मैं। सर्वथा कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। मैंने ऐसे धर्मात्मा देखे, पत्नी रही तब तक उसका गुणगान या उसकी आलोचना में समय चला गया, और मर गई तो वो थी वो थी वो थी वो थी। ये वो थी याद क्यों आ रहा? तुम्हें ये प्लान नहीं था तुम्हारे पास, वो नहीं है अब, वो नहीं है अब, वो नहीं है। मैंने कहा बेटा तू 2 साल में मर जाएगा, सही में 2 साल में मर गया हो पंडित जी, वो ही आप खराब, आपकी बद्दुआएं लग जाती तो मरेगा ही बेचारे हो। अरे नहीं भैया वो कसाय से मर रहा था 24 घंटा बिल्कुल, जैसे ध्रुव का स्मरण नहीं छोड़ती ना ज्ञानी, जैसे पत्नी के मरने के बाद पति लोग या पति के मरने के बाद पत्नी तो छोड़ देती प्राय करके, वो तो व्यस्त हो जाती काम धाम में और सौ काम, पति को बड़ी आफत है। सच्ची घटना सुना रहा हूँ बिल्कुल खनिया थाना की भी। हाँ बुजुर्ग आदमी 75-80 साल के, नाम नहीं बता रहा हूँ सबके सामने अच्छा नहीं लगता, मेरे देखते देखते चलिए जब देखो जब अब बे थी। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही हो ये बे थी का क्या मतलब है? मालूम है सबको? नहीं मालूम, अभी ज्यादा नहीं समझ में आई होगी। जैसे पत्नी नहीं होती, वो पति 80 साल का है 60 साल का है, अब बहुओं से बोल नहीं सकते, वो भी दो ही तुमने देखा दादा दादी दो ही बैठ जाते हैं टांगों पे ऐसे हाथ धर के घुटने के बल, का होगा का कह रही बहू का कह रही तुमने का कह दी। अब तो याद आ गई नहीं आई घरों में, वे दो ही जने बैठे रहे हमें इतने की उतने की सब दुनिया की बातें कर ले, सब तरह की बातें करते थे। तो वो एक पार्टनर चला गया, एक पार्टनर, अब कौन से कहें, मन की बात, खावे की बात, पीवे की बात, लड़वे की बात, झगड़वे की बात, पड़ोसी की बात, अब वे कौन सी बात करें? नाती पोता स्कूल चले जाती है, उधर चले जाती है उधर पढ़ने में अड़ने, क्या कहो उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत है आजकल बेचारे भाई, 4 साल को पप्पू पढ़ के आओ नहीं, जूडो डांस बजाओ
बाकी रह गई तो फॉरेन लैंग्वेज। अब बच्चे दादा दादी बेचारे कौन से टाइम काटे, तो वे बेचारे इस समय बिल्कुल एलोन। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए डिपार्टमेंट खोला है अंग्रेजों ने इंग्लैंड में, एक मंत्रालय है लॉनली लॉनली, एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा। भाई अकेलों की परेशानी बहुत है, मैंने बताई परेशानी। अब करें क्या, दिन भर कोई काम नहीं, पढ़े कहाँ तक, सुने कहाँ तक, बीमार हो तो कौन से कहें अंदर कोई तक, रात को नींद नहीं आती, दो घंटे सो पाते हैं बुजुर्ग लोग, अब कौन से बोले, बड़ी मुसीबत है। अब समझ में आ गई कितनी पीड़ा है। हम इसीलिए कह रहे हैं पहले ही नंबर ए प्लान इतना ठोस बनाओ कि बी प्लान फेल होए तो हम ए में आए। मैंने ये नहीं कहा ए प्लान फेल हुआ तो बी में गए, ओई मैंने ये नहीं कहा ए फेल तो बी में गए, मजबूरी का बी जरूरी का ए, क्या बोल रहे, जरूरी का ए मजबूरी का बी, बी फेल हो गया था ओके। चार मंदोदरी रोने नहीं बैठी, शादी कर मर गया। जैन दर्शन में रोने का प्लान नहीं है, क्या कह रहे हैं, जैन दर्शन में रोने का प्लान नहीं है जी। अपन ने अन्य मत में देखा है, हमारा तो मृत्यु महोत्सव है, हमारा तो मृत्यु महोत्सव है। बहुत कहानियां हैं प्रथमान युग में, कमठ का जीव जब भाई ने पत्थर पटक दिया था कमठ की पर्याय वाले ने, वो मरुभूति वायुभूति क्या नाम था उसका, तब तब वो बेहोश हो गया, वो पटक दिया उसको घायल हो गया। पत्नी ने आया आई देखा, अरे अब तो इनके जीवन की आशा नहीं रही, सर फट गया, खून खून निकल रहा है। तो उसने उनके प्रति द्वेष नहीं कराया, फला फला नहीं कराया, अपनी भी चिंता से मुक्त कर दिया और उसका समाधि कराई। अब हमारी भी चिंता नहीं करो, हम अपने उदय के अधीन है, तुम्हारी भी घटना घटी उदय के अधीन है, भाई का कोई दोष नहीं, उसने पत्थर पटक दिया, जो हुआ है क्षमता रखो, दे छूटने वाली है, सावधान कर दिया, दे छूटने वाली है, समाधि करा। रोने का कोई प्लान नहीं, जरूरी ध्रुव, मजबूरी संयोग, फेल हो तो हो जाओ, रहे चाहे अभी जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रोज गाते हो लाखों वर्षों तक जीव या मृत्युवाजी अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने, अब ये सब है पूरा पाठ, कोई बुरा कहो या ये सब भी प्लान है, फेल हो जाओ बहुत बढ़िया हम चले पढ़ना प्रथमानी हो, बहुत मजेदार है। सर्वथा छोड़ दे, मैंने सर्वथा भजन दिया है, दुखी व्यक्ति सर्वथा नहीं छोड़ पाता, पुरुषार्थ है इसमें, आपको हो सकता है इसका अर्थ मालूम है, जानकारी हो, मैं फिर कह रहा हूँ ध्रुव की जानकारी से काम नहीं होता है, जानकारी का विषय नहीं आनंद का विषय बनाओ, ध्रुव को जानकारी का नहीं आनंद का विषय बनाओ। जानकारी होगी तो पंडिताई हो जाएगी, प्रवचन कर दोगे यार, दुनिया को सुना दोगे, सब दुनिया तारीफ कर देगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं सर्वथा छोड़ने का उपाय करो, इसलिए मैं भजन दिए थे, नहीं भी देते हम, सर्वथा छोड़ने का उपाय करो, सर्वथा छोड़ना माने विश्वास, सुख का विश्वास, सर्वथा क्या कह रहे हैं, सर्वथा छोड़ दे उनका विश्वास, सुन रहे हो, तुमसे भी कह रहे हैं सबसे, बहुत पुरस्कार की लाइन है, सुन रहे हैं ध्यान से, अभी विजयी विश्वास रहता है, हमारे साथ अनुसार हो जाती पूजा, हमारे अनुसार भक्ति हो जाती, हमारे अनुसार सोच लेते, जो तो मिथ्यात है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मिथ्यात है, हमारे अनुसार हो जाता, अब तुम कभी सुखी नहीं हो पाओ, हम तो प्रकट पर्याय का आनंद लेते हैं। क्या बोल गए, जल्दी बोलो क्या बोला, प्रकट पर्याय का आनंद। आज हमें नमोकार मन भी नहीं पढ़ना तो भी मैं मजे करता हूँ, अब मैं बोलूंगा ना तो बोल लूंगा बुरी लगेगी, मैं मंदिर में भगवान को देखता हूँ तो मैं नमोकार मन पढ़ते नहीं, स्तुति भी नहीं पढ़ता हूँ, चत्तारी मंगलम भी नहीं पढ़ता हूँ। अब मैंने ये कह दिया सबको आखिर, अरे तो तू क्यों अखर रहा है, मैं आनंद में हूं ना, मैंने त्याग थोड़ी किया है नमोकार मंद का, डरते क्या हुआ, मुझे आनंद आता है तो मैं कभी भक्ति भी करता हूँ, कभी नमोकार मंद भी पढ़ता हूँ, कभी नहीं भी पढ़ता हूँ, कभी देखता हूँ कभी नहीं भी देखता हूँ, कोई ठेका लिया है हमने पर्याय का,
नहीं, ये ही भजन गाओ, ये ही क्यों गाओ? कमजोर लोग भजन गाते हैं, मजबूत लोग ध्रुव का आनंद लेते हैं। क्या कह गए? कमजोर लोग पूजा करते हैं, मजबूत लोग ध्रुव का आनंद लेते हैं। तो हमारा तो ये प्लान है ना, इसमें बहुत नाराज हुए अभी, मेरा बहुत व्हाट्सएप पे घूमा मेरे बारे में। मैं पूजा पाठ का मना करती हूँ, सामायिक का मना करती हूँ, क्रियाओं का मना करती हूँ। अरे भले आदमी ये प्लान की यहाँ करा रहे थे, हम तो ये प्लान क्यों खा गए थे? बी प्लान काट के भेज दिए सबके पास, सुमत प्रकाश जी आगम विरोध। खूब चलता है, मजेदार, लोग मजे लेना है उनको, मजे लेना है। अरे ए प्लान के लिए बी प्लान का निषेध किया है। प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा, आलोचना को विष्कुंभ कहा, तो शुद्धोपयोग के कारण से कहा है वो। मैं स्यादवाद नहीं लगाना, दुखी व्यक्ति स्यादवाद नहीं लगाएगा, नाम उसका चाहे मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु हो, इससे खूब मतलब है। दुखी व्यक्ति स्यादवाद नहीं लगाएगा, लिख लेना बेटे तुम भी, दुखी मत रहो, बे खराब वो खराब वो खराब, सर खराब खराब मरा कोई नहीं खराब, उदय से ज्यादा कौन कर रहा है, भवितव से ज्यादा कोई क्या कर रहा है, विश्व में एक भी व्यक्ति खराब नहीं है। बिल्कुल खुलने, समझ में आ रही बात? आज महावीर होते तो क्या हो जाते, तो आज राजीव होते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते, माने कोई भी कोई क्या कर लेते, समाज खराब, वहां का खराब, बिल्डिंग समस्या, सब ट्रस्टी, सब समाज संस्थाएं, साधु, हम के महामिथ्या थे। फिर से बोलो, अच्छी सम्यक दृष्टि का लाइन, प्राप्त प्रकट पर्याय में ध्रुव का आनंद लेते, बस हमने ठेका नहीं लिया बी प्लान का, बी प्लान का ठेका नहीं लिया, नहीं पढ़ेंगे भजन, नहीं पढ़ेंगे, समझ आ रही बात? अब कई लोग अभी मेरे से कहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए भरी सभा में, ये तो मैं ए प्लान की बोल रहा हूँ ना, बी का निषेध करने के लिए ये है ना, मैं ए के बिना बोलूँ तो गलत हूँ। मैं क्या तो रहा हूँ, मुझे कमजोरी आती है, कमजोरी से मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, और नहीं आती है तो नहीं करता हूँ। तुम क्या चाहते, मैं सदा कमजोर रहूँ? बोलो क्या क्या चाहते, रोज नवकारमन पढ़ूँ? बोलो, और नहीं पढ़ूँ तो? ओह, अरे नहीं पढ़ूं तो इसका भी कोई बढ़िया ऑप्शन होगा ना, नहीं पढ़ूं तो? नानू मारू मन ध्रुव मगन, नानू मारू मन ध्रुव मगन है। अब नहीं नहीं पंडित जी, व्यवहार का भी ध्यान, फिर तूने व्यवहार की बात है, परमार्थ छोड़ देना चाहिए इसका मतलब, जब तू कहता है व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब तू ये कह रहा है कि परमार्थ को छोड़ देना चाहिए। सुन, जब मेरे पास आके देखो, जब तुम कहोगे हम व्यवहार का ध्यान नहीं रखना चाहते, तो मैं कहूँगा ध्रुव का ध्यान रखना, व्यवहार नहीं तो परमार्थ का ध्यान रखना, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मैंने आज तक प्रवचन में ऐसा नहीं किया कि मैंने भजन दिया कि तू पूजा कर, आज तक नहीं कहा, पहले के प्रवचन में भी अभी मैंने क्या कहा है? सुनो, या तो पूजा कर या पूज्य हो जा, ऑप्शन, जंगल चला जा, हम तेरी पूजा करेंगे, या तू पूजा कर। अब इसमें क्या गलत हो गया? पूजा करना बी प्लान, और जंगल जाकर के दीक्षा लेकर के पूज्य बन जाना ये प्लान, अब क्या गलत कहे? हमने हमेशा ही ऐसा कहा, हमें ऐसा ही पुराने प्रवचन में से कह रहे, अभी तक नहीं कह रहे, पहले से कह रहे। तुम हमसे कहो भाई साहब आप ऐसे ऐसे नहीं करती कि नहीं करती, ये बी प्लान है, ये प्लान ए है, जो यहाँ नहीं रह पाते उन्हें चारों दिशाओं में करना चाहिए। हम तो कह आठ दिशा में करो, दस में करो, ऊपर भी कर लो, सिद्ध भगवान की कर लो, क्या दिक्कत, हमें क्या बुराई, आठ की नौ कर लो, चार की चार ही का गुण, ना आठ करो नौ करो। अवलंबन बी प्लान है, स्वावलंबन लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, ये तो स्वच्छंदी हैं, स्वच्छंदी होएगा कौन, स्वयं को नहीं जानता वो स्वच्छंदी है, ध्रुव को नहीं जानता वो स्वच्छंदी है, काय को हैरान हो रहे बिल्कुल।
चलो आगे चलो, सर्वथा सर्वथा भी भजन दिए थी देव, सर्वथा छोड़ दे इनका विश्वास। आगे कर सम्यक श्रद्धान, इसका अर्थ अपन बहुत कर चुके पहले, सच्चे देव गुरु धर्म का इसका अर्थ कर चुके अपन, और करें यथार्थ निर्णय उन्हीं के द्वारा कहे गए प्रयोजन भूत तत्वों का। अब इस पर भी मुझे बहुत बोलना है, विद्वानों की सभा में बोलने की इच्छा है इस पे, इससे आगे का सबके सामने तो क्या, आम पब्लिक तो आम ही है, लेकिन सबके विद्वानों के बीच में बोलने लगे इस लाइन में भजन दो, प्रयोजन भूत तत्वों का कर सच्चा श्रद्धा निर्णय, और कर यथार्थ निर्णय उन्हीं के द्वारा कहे गए प्रयोजन भूत तत्वों का। अब बोलूंगा तकलीफ होगी, जिनको इन्फॉर्मेशन में मजा आता है भी अप्रयोजन भूत में मजा आता है, वो तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं, इतनी जल्दी खिसका देते हैं ध्रुव को, वो जानू छू अच चू देर में लगे जानू छू नहीं भोगू छू क्या बेदू छू एक कह बेटे ये तुम्हारी माता पिता, हाँ जानता हूँ तो रोटी दिया कर, नहीं जानू छू देर में लगे जानू छू, बीमार भूखे प्यासे माता पिता जानू छू का काम को तेरो जानू ऐसे तू ध्रुव को गौण कर देता है, और इधर कर रहा था ये अभी तो लख्यू छे आपन लख्यू छे दे आपन लख्यू छे। अब मेरी ऐसी है जब मेरे पास वो करोगे तो बल सब मिला के दूंगा मैं उठा के बहुत खराब हुआ ए खराब नहीं हो तो मोक्ष कैसे जाएंगे, खराब आदमी ही मोक्ष जाते हैं, अच्छे आदमी जो संसार को खोज करते हैं वे संसार में रहते हैं। क्या कह रहा हूँ, अच्छे लोग सबका दिल जीतते हैं, सबको खुश रखते हैं, उनकी जरूरत है संसार में। खराब आदमी को देखकर कोई नहीं कहता यहाँ से पति मिले चल हम जा रहे हैं मोक्ष, ऐसी पत्नी मिले खराब है खूब जा मोक्ष जा। नालायकों का मोक्ष होता है किसका समझ में आ रही कुछ, व्यवहार ने तुम्हें लायक बनाता है, सब खुश हो गए जब से मैंने एडजस्ट किया, सब खुश हो गए जब से मैंने एडजस्ट किया, पत्नी खुश हो गई जब से मैंने ऐसा किया, पत्नी को अच्छा नहीं लगता शास्त्र पढ़ना ध्रुव तो मैं अकेले में पढ़ लेता हूँ, अकेले में क्यों पढ़ता है कायर है, सबके सामने पढ़ जो करना है सबके सामने कर, नहीं नहीं उसको उसका दिल दुखता है, अरे दिल दुखने दे आत्मा नहीं दुखने दी, दुखने दे दिल, मैं बहुत ही कट्टर खराब आदमी हूँ मैं खुद ही बता रहा हूँ मैं बहुत खराब आदमी, मेरे को आज तक रोने से प्रभाव नहीं पड़ा, रोने वाले से कहता हूँ और रो, क्या कहता हूँ रोने वाले से और रो, सच्ची कह रहा हूँ मैं हंसी आती है रोने पर, रोना हथियार नहीं बना सकते आप समझ में आए मस्ती का मार है, मस्ती का मार है, रोना उपाय हो तो रो, जब रोना उपाय नहीं है तो मत रो, समझ गए क्या कह रहे हैं, बढ़िया बेदो ध्रुव को गौण नहीं करो, व्यवहार को मुख्य करने वाला परमार्थ की हत्या करता है, व्यवहार अस्त हो जाता है, व्यवहार अस्त हो जाता है, प्रयोजन भूत पकड़े, प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत का मीनिंग समझते हो, गुणस्थान की चर्चा प्रयोजन भूत है, नहीं नहीं पंडित जी इस साल तो मैं गुणस्थान में निकाल दिया एक साल पूरा, बिल्कुल गहरे गहरे चला गया, मैंने जैन सिद्धांत कोर्स देखा, फिर धवला देखा, वहाँ देखा, फिर कहीं कहीं कंट्रोवर्सी भी है, एक आचार्य एम कहे छे एक 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 आम लखे छे एम कहे छे एम लखे छे, इसे तुझे क्या मिल गया, नहीं नहीं मुझे विवक्षा पता लग गई, विवक्षा तो कब, विवक्षा कब हो जाए, प्रयोजन पूछे विवक्षा बिल्कुल सरेआम कह रहा हूँ जी, सब विद्वानों से शिकायत है इस मामले में, विपक्ष पता लगाने की जरूरत है कि निरपेक्ष देखने की जरूरत है, मान लो पंडित साहब का नाम लेते हो तो निरपेक्ष हूँ कृत कृत हूँ मैं, बोलो जी पढ़ना था कि जी पढ़ना था अपेक्षाएं, बोलो प्रवचन करने के लिए क्या क्या सीखने की जरूरत है, ध्रुव छोड़ के सब सीख लो, क्यों जरूरत पड़ेगी, बड़ा स्थान मारण स्थान ध्रुव में अपन कहेंगे क्या, ध्रुव में तो जरा सा है ध्रुव बस कदम, मित्र पक्ष वाले बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं आत्मा और निश्चय में है क्या कहने के लिए, जितना कहने के लिए वो तो व्यवहार में,
और तो हम भी जानते हैं आत्मा परिपूर्ण है, भगवान है, त्रिकाली शुद्ध है, शुद्ध नहीं से शुद्ध है। अब ये चार बातें खत्म, अब आगे और बातें करो, और बातें करनी पड़ी, टाइम प्रवचन में करें क्या। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, साफ अप्रयोजन भूत है। तू पूरा पुराण नहीं जानेगा तो चलेगा, पूरे नहीं जानेगा तो चलेगा। कौन 29 प्रकार के भंग, 29 प्रकार के बोल, बोलो कौन कौन सी हैं। 50 से 55 नंबर तक की गाथा समय सार में उनको पुद्गल कह दिया, अप्रयोजन भूत होने से पुद्गल कह दिया। किसको? अध्यात्म स्थान पुद्गल है माने अप्रयोजन भूत है। गुण स्थान, मारण स्थान, जीव स्थान, संयोग स्थान, लब्धि स्थान, क्या कहेंगे 29 प्रकार के, जिनकी तुम गीत गाते हो ना करना नहीं होगा, उन्हें एक गाथा में उड़ा दिया, फू उड़ गया ऐसे उड़ा दिया फू। टीका लिखिए, टीका प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का मजाक उड़ाया है, उपहास किया है। टीका में लिखा है उपहास किया है, बंद का प्रकृति प्रदेश बंद, स्थिति अनुभाग बंद, इनका उपहास किया है। डॉक्टर साहब ने पढ़ाया था टीका में, उपहास किया है। इस ध्रुव में है क्या जिसके लिए तू परेशान होता है? इतनी दम के साथ शादी करो, क्या शादी के पहले सैड सॉन्ग, शादी के बाद सैड सॉन्ग, शादी के पहले तेरे बिना जी नहीं सकता, शादी के बाद तेरे संग मर नहीं सकते, वो जी नहीं सकता। बिल्कुल सरे हम क्या कहते हैं, बात उसी की नहीं। मैंने मकान का भी कल दृष्टांत दिया, घर बनाने का, उसमें भी ऐसे ही रोना है। शादी वादी से कोई मतलब नहीं है, हमें घर बनाओ, करके देखो कोई भी एक काम। अब ये काम करो, इन बच्चियों को एक प्रोजेक्ट दे दो कि तुमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, जिनकी पढ़ाई लिखाई भक्ति सब एक तरफ चली जाएगी, वो प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट देखेगा। अपन ऐसे सजाएंगे, झांकी ऐसी लगाएंगे 10 लक्षण में, और अपनी झांकी फर्स्ट आएगी और कैसे आएगी, और अपन वहाँ से धोती ऐसे ऐसे डिजाइन डाल देंगे, वहाँ से ऐसे अपन झालर लगा देंगे, और वहाँ से जो गुलदस्ता धर देंगे, और फिर तुम्हें ऐसे नहीं करना, ऐसे खड़े रहना बिल्कुल। पूरा प्लान में घुस गए प्रोजेक्ट में, अरे प्रोजेक्ट फेल हो तो जाए जान दू, बी फेल भाओ। आप समझ गए? तो दुनिया में एक भी परमुखी काम है, शादी का दृष्टांत सरल पड़ता है, शादी का दृष्टांत नहीं, मकान बनाएगा सरल पड़ा। दुनिया में आत्मा को छोड़कर सब भी प्लान में कठिन है। खा जाता तेरा उपयोग, उस व्यवहार को नष्ट कर दे, उस व्यवहार को नष्ट, ओ व्यवहार को उड़ा दो। हम तो पहले ही जानते तुम सोनगढ़ी हो, तुम काहे को व्यवहार को मानोगे। व्यवहार की मान्यता इसी के लिए है कि व्यवहार को छोड़ दें। लिखा है पढ़ो, चम्मच से रसगुल्ला खा, तो चम्मच ही छोड़ दें, चम्मच छोड़ दें, चम्मच का कितना उपकार, चम्मच छोड़ दें तो ढोर चम्मच सहित खा, खा चम्मच सहित खाओ। आज खाना सब लोग, व्यवहार का उपकार करना। इन उंगलियों का चल 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 चम्मच तो तुम चबा लोगे, कोई बात नहीं, इन उंगलियों का चबाओ, कितना उपकार है इन उंगलियों का, यहां तक लाए, इन विचारों को मत छोड़ा, चबा। क्या करना चाहिए बताओ? व्यवहार का ऐसा उपकार है कि व्यवहार का अस्त होने में उपकार है। क्या कह रहे? व्यवहार का अस्त होने में उपकार है। आप आज तो लग रहा है पंडित जी आप बिल्कुल व्यवहार के विरोधी हो। मैं व्यवहार का विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवहार के सार्थकता का प्रयोगन वाला हूँ, विरोधी नहीं हूँ। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं समझाया जा सकता, लेकिन परमार्थ समझे बिना व्यवहार की हत्या है, हत्या कह रहा हूँ। सार्थक ही नहीं हुआ वो व्यवहार। व्यवहार तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रयोजनवान है। क्या लिखा है? जाने लो प्रयोजनवान है, बेदेलू नहीं। व्यवहार जाने लो है, बेदेलू नहीं का। अब तुम जानने को बेदन में घुसा रहे, इसलिए मुख्य करते व्यवहार 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 भी था व्यवहार, अरे तो है ना, हमने कब मना किया। लेकिन व्यवहार की सार्थकता परमार्थ में है। समझ में नहीं आ रही होंगी ये बातें, तो दृष्टांत देके समझा रहे। बोलो भाई, ए प्लान में शादी मैंने कन्या से विवाह करना लड़के को,
और बी प्लान जो संग संग चलता रहता है, बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, मेहमान आते हैं, पांडाल लगाते हैं, म्यूजिक होता है, ठीक है। अब ये सब व्यवहार खड़ा हो गया इधर। अब ये व्यवहार सार्थक कब होगा? सारा बैंड बाजे आदि, मिठाई, मेहमान, ये सार्थक कब होएंगे? जब ब्याह हुए। अब यहाँ तो सब हो ही रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है, सारी दुनिया तो भाई नाचती है, सब भाई वही नाच रहे। सो बर बधू का नंबर आया तो बर माला डालने से बधू ने इनकार कर दिया, हम नहीं पहना रहे, आई डोंट लाइक। तो अब क्या करे वो लड़का, चल एक बरमाला ही तो नहीं आई, तब तक बाजी बज रहे अपन तो नाचो, बरमाला नहीं मिली, ये कहीं काम तो नहीं हुआ, बाकी तो नाचो, बजा भाई और बजा, ये देश है वीर जवानों का। लड्डू का लड्डू अच्छू लेंगे, माला अपन बाजार में से खरीद लेंगे, एक माला बाजार में से खरीद लेंगे, और नहीं जो इसे पटक देनी, फेंक दी सड़क पे, भाई उठा लियो फ्री में भाई, कहा पर माला इतनी डरी थी, अपन डाल दी। बोलो है कि नहीं, सारे व्यवहार की हत्या हुई कि नहीं हुई? व्यवहार की सार्थकता परमार्थ के ग्रहण में है। हम बिल्कुल सख्त हैं, चुस्त भी हैं और सख्त भी हैं। क्या कह रहे ललित भाई? चुस्त भी हैं व्यवहार में, क्या मजा आ रहा, आप गलती करके देखो हमारे सामने, खाने में पीने में कोई प्रमाद नहीं है कोई, लेकिन व्यवहार की सार्थकता तो नहीं है ना वहाँ, सार्थकता तो परमार्थ में। अब तुम परमार्थ छोड़े जा रहे हो, परमार्थ माने आनंद छोड़े जा रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे हम दुखी, तुम ऐसा करो हम सुखी, जो दुखी है, अरे सारा जगत विपरीत परिणाम है और मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नो एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई आशा नहीं है। मिथ्या समझ में आ रहा है? मिथ्या, बेटे तुमसे बहुत बड़ा दुखी हूँ। बोले क्या है पंडित जी, हम तो 4 साल बाद मिले आपसे, तुमने हमारे कहने के अनुसार काम नहीं किया। एक दृष्टांत हो, दृष्टांत समझ में, तो मूर्ख, उसने तेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया, लेकिन कहना तो आश्रम बंद है, तू अपने कहने के अनुसार भी क्यों चाहता है, तू अपने कहने के भाव का निषेध कर, उसका निषेध मत कर कि उसने नहीं सुना। ध्यान रखना, जिंदगी भर दुखी रहोगे, मेरे अनुसार कोई नहीं सोचता, दुखी रहोगे, कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे अनुसार, आज तक नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा। लिख लो तो फिर क्या करें, हमारी सोच ही ना रहे। तुम्हें ऐसे खाना है ऐसे खाओ, हम मस्त, तुम्हें ऐसे पढ़ना है हम मस्त, तुम्हें ऐसे गाना है हम मस्त, तुम्हें सोना है सो जाओ हम मस्त, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं चल लो, मोक्ष चलना है। पति पत्नी के संवाद में पत्नी ने, पति ने कहा ये तो मुझे समझ में आ गया कि योग्यता ही नियामक है और कुछ नहीं करना अपने को, अपन तो ध्रुव है कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे दीक्षा लेने का विचार नहीं। तो पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा इतनी समझ गए, इतने पढ़ गए, इतना कर गए, तो अब दीक्षा तो लो, नहीं उसमें कुछ नहीं, तो ठीक है मत लो, मैं जा रही हूँ, एक झटके में ही जा रही, तू बड़ी निष्ठुर है, इतनी निष्ठुर तो तू पहले कभी नहीं थी, एक झटका में इतनी सी बात समझ में आई, तू कह रही दीक्षा। तो उसने कहा पहले मैं ऐसी निष्ठुर नहीं थी, पहले मुझे ऐसा आत्मभान भी तो नहीं था, आज मुझे आत्मभान हो गया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर लूंगी लेकिन मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी, आई एम गोइंग, तुझे मुझसे प्रेम नहीं है? प्रेम है, मुझे तुम्हारी कसाई की पूर्ति का प्रेम नहीं है, तुम भी भगवान हो, कसाई का अभाव करो इसका प्रेम है, इस जाति का प्रेम, ए प्रेम नहीं, तुम कहो हम तुम्हारे संग संग जिए संग मरे, जो नहीं तुम अपने में जियो हम अपने में जिए, संग जीवे मरवे वो कोई काम नहीं है, तो मैं तेरे साथ दीक्षा ले लूंगा, बताई दी थोड़ी देर, तो मैं तो अपने में रहूंगी और संग दिखोगे तो असंग दिखूंगी, मन हम कोई राग रंग नहीं फैलाएंगे, मैं बहुत गजब है, समझ में आ रही बात नहीं है, आगे चलो। सच्चे देव गुरु धर्म, अब देखो प्रयोजन भूत, इसी की चर्चा चल रही थी, प्रयोजन भूत, इसमें तो बहुत प्रयोजन करने का मन है, कौन कौन सी चर्चा प्रयोजन भूत है बोलो, एक अवैध ध्रुव के अलावा सब अप्रयोजन भूत है। अब सोचो अवैध ध्रुव की कितनी चर्चा वार्ता है, अवैध
तत्व की चर्चा में भेद करना व्यवहार है, और व्यवहार भी परमार्थ को मार डालने वाला है, इसलिए हम भेद की भी चर्चा नहीं करेंगे, हम ध्रुव की भी चर्चा नहीं करेंगे, उस दिन का इंतजार करेंगे। कोई आपका प्रवचन नहीं सुनता आपको बुरा नहीं लगता? बुरा तो होने लगता जिन्हें ध्रुव ना मिला हो। चर्चा करने वाले तो दुखी होते हैं, आज कोई मिला नहीं, क्यों? एक कल्पना करो, एक आध महीने तुम लोग चर्चा ना करो, चार पांच लोग ना बैठो, कैसा लगेगा? इसका मतलब व्यवहार परमार्थ की हत्या कर रहा है। उस दिन की तैयारी करो जब कोई नहीं होगा, हम मजे करें। चर्चा होंगी तो भी मजे करेंगे, और चर्चा नहीं होगी तो भी, क्योंकि मेरे मजे का आधार ये है प्रयोजन भूत। इतना फोकस करोगे ना तब जाके उपयोग यहाँ लगेगा। अपन क्या सोचते हैं ध्रुव मा उपयोग तक तो नहीं, मैं इतना से कह के जवान हला दी, बस ध्रुव में उपयोग नहीं टिकता है, नहीं टिकता तो टिका टिका, क्योंकि परमार्थ तो वही है। क्या करना है बताओ पंडित जी? कहना सरल है करना कठिन है। तो सुन व्यवहार के दृष्टांत देता हूँ तेरे को। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो बार बार तलाक लेने का मन आता है, बोल भी देते हैं कई बार तलाक ले लेंगे, हम भग जाएंगे, हम पीआर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे हम। तो फिर वो लोग क्या करते दोनों जने, फिर संग रहना हो तो कि तू ऐसी बुद्धि को फोकस फोर्स करके भी रोक, ज़्यादा हो तो तू भड़ास निकाल ले, ज़्यादा हो तो कह लिया कर, बता दिया कर, तलाक मत लेना। बोलो भजन का भी देते हैं पूरी ताकत, एडजस्ट करना सीख, सोचना सीख, समझना सीख, जल्दी मत जाया करे तलाक पर, यही तो कहेंगे और क्या करोगे। जैसे तुम लोक में करने के लिए पूरी ताकत लगाती हो, ऐसे ध्रुव में पूरी ताकत लगाओगे तब व्यवहार का नाश होगा। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? व्यवहार का नाश नहीं नहीं अस्त होगा। नाश थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अस्त होगा। है कैसी कैसे बोलते हो, अरे व्यवहार अस्त होगा, ये कई बात है। थोड़ी साहित्यिक भाषा में बोलो, साहित्यिक भाषा में बोलो, प्रलय होगा। ले अरे विलय होगा, प्रलय होगा, क्या कहें, समझ में आ रही कुछ? जब तक ऐसे दृष्टांत दे दे के नहीं मारोगे ना भाई, वो व्यवहार ऐसा जिंदा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अभी तुम सब जने मुझे देख के खुश होते हो, मैं नहीं खुश होता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी कसाई को देख के खुश हो, मेरे प्रवचन करने की राख को देख के खुश हो। मैं प्रवचन नहीं करूँगा तो तुम पूछोगे भी नहीं, तो ध्रुव को तो तुम आज भी नहीं पूछ रहे और ध्रुव को बाद में भी नहीं पूछोगे। अभी हम प्रवचन बंद कर देंगे तो कितने लोग आएंगे बोलो, कौन है? हमारी राख की पूर्ति नहीं होगी तो कौन आएगा? राख की पूर्ति हुई तो आता जी, हम समझ रहे हैं ये हमारी ख्याति नहीं है, हमारी ख्याति तो आत्मख्याति है, हमारी ख्याति तो ये तो प्रवचन की ख्याति हो रही, राग की ख्याति हो रही, कसाई की ख्याति हो रही, और इसी में लोग जेलेसी कर रहे। सुमत के श्रोता बहुत हैं, सुमत है क्रियाकांडी है, इसलिए लोग चाहे थे बस। नहीं नहीं दुखी बने काय को दुखी बने रहते हो, हम तो इसे छोड़ना चाहते हैं, छूटेगा अपने समय से, लेकिन विश्वास छोड़ दिया। काय का विश्वास छोड़ दिया कि प्रवचन करने से सुखी होती है, लिखने से सुखी होती है, दुनिया को समझाने से सुखी होते हैं, फॉलोवर से सुखी होते हैं। अपने व्हाट्सएप पे कितने फॉलोवर होने चाहिए? व्हाट्सएप ही नहीं होने चाहिए। क्या 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 होता है हम नहीं जानते, क्या फेसबुक होता है, बाहर क्या होता है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर कितने होने चाहिए? अब लड़कियाँ क्या करें, वो देखने वाले तो देख ना गौर से, लड़कियों को देखने वाले लड़का बहुत होते, तो चाहे जैसे फोटो दिखाती रहती है, चाहे जैसे कपड़ा पहनती रहती है, चाहे जैसे नाती रहती है, तो वो देखते हैं। अब जी इसे नहीं समझ में आ रही कि तू बेस्या से भी गया अभी तक काम कर रही, बेस्या तो पैसा लेके किसी को शरीर दिखाती है और तू भोगट भी दिखा रही। और कब कोई तुम्हारी बेटा बेटी होंगे, नाती पोता होंगे, कोई भी वो देखें, दादी तुम ऐसे करती, ओ नानी, फिर क्या होगा बताना? नहीं नहीं बेटा बंद करते, बंद करते, डिलीट, ब्लॉक, ब्लॉक करते बेटा, ब्लॉक ब्लॉक, अब कैसे करोगे ब्लॉक? नहीं, कल एक बात पढ़ाई थी बहुत, कल कही थी आपको, दो तीन बार कही थी वो बात, भेद के उदय के आने वाले भावों में अनंतानुमति नहीं हो और मुस्कुराओ,
रोकना नहीं है, फुल स्टॉप नहीं करना है, नॉन स्टॉप भी नहीं करना है, फुल स्टॉप भी नहीं करना है, अनंत अनुबंधी नहीं होना चाहिए, बस सील की मर्यादाएं भंग ना हो, चाहे शादी करो चाहे मत करो, सील की मर्यादा भंग ना हो, बस खत्म। इसके बाद खूब आने दो तूफान, खूब आने दो तूफान, हम तूफान को बांधते नहीं हैं, हम तूफान को रोकते नहीं हैं, हम फुल स्टॉप भी नहीं करते हैं और नॉन स्टॉप भी नहीं करते हैं, हम ओनली उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, ध्रुव। आ तूफान हम ध्रुव हैं, आ तूफान हम ध्रुव हैं। जब निगोद ने नहीं बिगाड़ा तो तू क्या बिगाड़ लेगा, जब हम बेभान थे तब नहीं बिगड़ा, अब तो मैं भान है, मैं ध्रुव, तू क्या बिगाड़ेगा। ऐसे ऐसे रोज लड़ो, वीर रस में वीर रस, ऐसे ओ क्यों आ रहा है नहीं आ, नमोरी हंताड़म भक्तामर मेरी मदद कर, भक्तामर कह रहा है ढोर डूबी जा संसार में, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दिया लोग क्या के? कुछ भी हो हम बैठे अपनी, नॉन स्टॉप भी नहीं, 100% स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप भी नहीं। आचार्य ने कहा है पाप भाव घट के मिटती है, पुण्य बढ़ के मिटता है, पाप घट के मिटता है। हम क्या चाह रहे हैं, आ ही नहीं, ऐसा ध्यान बताओ आ ही नहीं, ऐसी पूजा बताओ आ ही नहीं, ऐसे व्रतोपास बताओ आ ही नहीं, हम कह रहे हैं आओ और मुस्कुराओ। स्टाइल समझ में आई, आए मुस्कुराओ, बस सील की नौबार मत छोड़ो, अनंतानुबंधी की जरूरत नहीं, बाकी सब कोई टेंशन ना है, अनंतानुबंधी का बड़ा उपकार है, वो माने जाने का, अनंतानुबंधी जाने का बड़ा उपकार है। जितने ये पापी दिखते हैं ना संसार में, तो व्हाट्सएप पे हीरो हीरोइन फिल्में जी वो ये सब बेचारे अनंतानुबंधी से त्रस्त हैं, इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा। हमें तो ये बताओ तुम में से कोई ने वो विराट कोहली की मिसेज के मम्मी पापा भैया बहन की शक्ल देखी हो किसी ने, इतनी बड़ी शादी हुई थी 200 करोड़ कितने करोड़ कर ली और पता भी नहीं लगा को है। और ऐसे इसकी भी पति पत्नी की शादी में भैया तक का नाम नहीं था, माता पिता का आशीर्वाद देते हुए अगर एक चित्र हो तो बता देना मुझे, सेवा कहाँ कहने, बिल्कुल कहाँ क्या है जी, कहाँ की शादी है, अभी भी तुम्हें पता है वो अपनी सास ससुर की सेवा करती है, किसी दिन आता है फोटो, बाकी सब फोटो मिल जाएंगी वहाँ के दोनों के, विराट कोहली के और उनकी पत्नी के, एक दिन भी ये फोटो नहीं आता। आज माता पिता आए उनके पैर छुए, सास ससुर के पैर छुए, नंदोई आए ननंद आए कछु हुए कछु ने चाहे जैसे नाचत कूदत रहो फोटो डालत रहो, नहीं बेटी निगोदगामी बहुत हैं और मोक्षगामी हम हैं, लिख लो डायरी में निगोदगामी बहुत हैं मोक्षगामी हम, हमें वीर रस में जीना है, हमें पतित नहीं होना है। असंत दृष्टान टाइम तो पहले ही ज़्यादा हो गया, बोलो भाई 2 बाल्टी पानी 10-10 लीटर की, 10-10 लीटर की 2 कैन देना भी ला के, इनको 2 लीटर 10-10 लीटर की 2 कैन दे देना, कैन नहीं देना तो बाल्टी दे दी, 10-10 लीटर भर दी, लेकिन 10 लीटर भर के 100 माला चढ़ना है तुम्हें, बोलो कितने कठिन काम है चढ़ना ऊपर से, और ऊपर से ऐसे कर दो तो नीचे आप 10 लीटर 100 मंजिल चढ़ाना कितना मेहनत का काम है, और वहाँ से नीचे गिरा देना कितना सरल है। ऐसे बेटा निवोद जाना सरल है और मोक्ष जाना पुरुषार्थ है, अपने चरित को इतना ऊंचा उठाओ, इतना उठ के आ गए अपन संगी पंचेंद्री देव गुरु धर्म ध्रुव का ज्ञान बहुत ऊपर आ गए, अब तो एक जंप मारो मोक्ष, जैसे ध्रुव मिला माने उसका मोक्ष मिला नहीं, अपना पानी ढो लेंगे नहीं। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज निधि।